मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन के पुलिस लाइन का दौरा किया और यहां पर पन्ना प्रमुख सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उनका सोलन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा से ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जानकारी ली और उन्हें दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मेलन को सफल बनाने का आग्रह भी किया और उनमें जोश भरने का प्रयास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में चारों भाजपा के सांसद हैं और इस बार भी चारों सीटों पर भाजपा की जीत हासिल करें, इसके लिए भाजपा कमर कस चुकी है। इसलिए भाजपा संसदीय क्षेत्रों में पन्ना प्रमुख कार्यक्रम करवा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी का सम्मेलन काफी सफल रहा, सोलन काफी सफल हो इसके लिए उसकी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए संगठन को मजबूत किया जा रहा है, सरकार और संगठन मिलकर कार्य कर रहा है ताकि भाजपा जीत हासिल कर सके। आने वाले 2019 के चुनाव में चारों सीटों पर भाजपा की जीत हो उसको सुनिश्चित करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, उस काम में लगे। हमारा शिमला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का यहाँ पर जो सम्मेलन है वो 23 तारीख को है पन्ना प्रमुख का, और जिसमें केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी रहने वाले हैं और संभव हुआ तो पार्टी के और वरिष्ठ नेतृत्व से भी आपने बात की है, उनमें से भी रहने वाले और प्रदेश का नेतृत्व रहने वाला है। कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि से संगठन अपनी भूमिका निभा रहा है और उसके साथ साथ में सरकार और संगठन मिलकर के लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए जुटा है। हमारा ये मानना है कि 2019 का चुनाव जब होगा तो हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से 2014 में 100% जो है वो 4/4 सीटें भाजपा को मिली थी लोकसभा में, और 2019 के चुनाव में भी 4/4 हम जिताएंगे।